वाह, बहुत बड़े गर्व की बात है। मतलब आपकी जो साधना अगर हम देखें तो काफी काफी लंबे अरसे की रही हुई है, क्योंकि अगर आप 12 साल की उम्र से बात कर रहे हैं और आज तक, तो ये काफी लंबी साधना है। और डेफिनेटली अगर इतनी लंबी साधना होती है तो उसका फल भी काफी अच्छा मिलता ही है। तो ये हमें दिख भी रहा है, हम जिस तरीके से आपकी जो प्रचलित हमने जानी हुई है उसे, ये साधना का हमें एहसास भी हो रहा है। आशा जी एक ये जानना चाहेंगे कि ये योग जो होता है उसमें हमने ये देखा है कि योग एज अ एक्सरसाइज और योग एज अ मेडिटेशन वाया प्राणायाम, तो क्या ये दोनों चीज को ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल करता है। ये सारी चीजें एक साथ ही होती हैं। जितनी देर हम योग करते हैं, या आपने भी अनुभव किया होगा, या जो भी योग करता है, उन सभी का ये अनुभव है कि योग करना इटसेल्फ में एक मेडिटेशन ही है। क्योंकि जब हम योग करते हैं और पोश्चर, जब हम आसन लगाते हैं उस समय, और साथ ही साथ हम ब्रीद भी करते हैं, उसके तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल आसन है जिसका मैं एग्जाम्पल लूंगी, ताड़ासन। यदि आप करते हैं, तो जब ताड़ासन आप करते हैं और पोश्चर को लगाते हैं, तो डीप ब्रीथ करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं। जैसे सिंपल बताती हूँ कि जब हम खड़े हुए ताड़ासन के लिए और हाथों को ऊपर किया और पोश्चर को लगाया, जितनी देर हमने, उतनी देर तक हमारा मन हमारे पूरे शरीर के ऊपर फोकस, इतनी देर हम उस पोस्चर को, ताड़ासन को, या फ्रंट बेंडिंग को, या किसी भी आसन को लगाते हैं, उतनी देर हमारा ध्यान किसी भी बात के ऊपर नहीं जाता। मन विचार शून्य हो जाता है। यदि आप आधा घंटा योग करते हो, आधा घंटे तक आपका मन विचार शून्य हो जाता है, और उसके साथ ब्रीदिंग पर फोकस हो जाता है। बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे योगी सन्यास लेकर हिमालय जाते हैं विचार शून्य प्रक्रिया करने को, विचार शून्यता प्राप्त करने को, मेडिटेशन में की गहराई में उतरने को, वो शांत जगह ढूंढते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है वो क्या करे? केवल योग के द्वारा आप ध्यान मगन हो सकते हैं, गहरे ध्यान में उतर सकते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने ही अंदर झांकना, अपने ही अंदर अपने आप को देखना और महसूस करना, चैतन्य होके चेतना के साथ अपने आप को फील करना। ये योग, हम ऐसा महसूस करते हैं और ये ऑटोमेटिकली गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाता है। इसलिए योग को मैं एक तरह से मेडिटेशन का ही बहुत अच्छा साधन समझती हूँ, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योग करते हुए, आसन लगाते हुए, विचार शून्य होते हुए, गहरे ध्यान में उतरते हुए हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को देखते हैं। और योग, योग का अर्थ है कि परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव, वो जुड़ाव हम उस दौरान पूरी तरह महसूस करते हैं।